अभी रुझे नानी ला रही आजा। छाता लेना पड़ेगा। क्यों रहने के बाद वही जाना ना फोन देंगे हम बहुत दूर जाएंगे पैदल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये सावन के पहले सोमवार का वीडियो है जो मैं आप शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये मम्मी और मैं गए हैं मंदिर और पीयू भी हमारे साथ जिद करके आ गई। उसको मैंने बहुत बोला कि नाना जी के पास रुक जाओ, नहीं मानी तो जिद करके आ गई है। वो हम पास वाले ही मंदिर आए थे और मैं का नानी के साथ जा रही। जय कर ले। और पूरे दिन भर था फास्ट और शाम का टाइम है और मैं बना रही यहाँ पर अब फास्ट खोलने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ बना रही मैं आलू की सब्जी और पूरी। सब्जी बन गई है और बस अब पूरी बनाऊंगी और टाइम हो गया है अभी 7:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो आज का व्रत हो गया है। हो गया बेड़ के पीछे चला गया। वहाँ पर हेलीपैड होगा ना और वो लैंड कर रहे थे। हाँ, लैंड हो रहा है। चलो वहाँ पर चलते हैं देखने। ट्रेन आएगी। ट्रेन नहीं वहाँ पर चलने लगी। और अब रात का टाइम है जी, कितना देर हो गया और हम कहीं जा रहे हैं। तो आप लोग आइडिया लगाइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वैसे आपको आगे पता लग जाएगा। तो रात का टाइम और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है लाइटें लाइटें। तो कुछ आइडिया लगाइए आप लोग जो समझ गए हो कमेंट करना और वैसे आपको पता लग ही जाएगा आगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पापा मम्मी जा रहे हैं हमारे साथ और देखिए बाहर का पूरा व्यू दिखाते चलती हूँ आपको। बहुत सुंदर लग रहा था और मौसम एकदम बारिश वाला हो रहा है और बहुत अच्छा व्यू है। तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए, आप लोग भी देखिए कैसा लगा बताना। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आते वक्त और इस तरह देखते हुए। तो जो जो मुझे अच्छे अच्छे क्लिप लगते हैं ना मैं इस तरह रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, अच्छा लगता है। और देखिए सामने से कितना अच्छा लग रहा है, लाइट लाइट एकदम से दिख रही है ना, कितना अच्छा लग रहा है लाइटें। ये देखिए बिल्कुल लाइन से ऐसा लग रहा है कोई लड़ी लगा रखी होगी हमने, कोई फंक्शन हो रहा होगा इस तरह से लग रहा है पूरे। बहुत अच्छा लग रहा था देखकर, तो थोड़ा सा मैंने चलो शेयर भी करते चलती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये दो दिन का वीडियो अलग अलग दिन का मैंने एक साथ ऐड करके आपके साथ शेयर किया है क्योंकि बीच में मुझे टाइम नहीं मिला था और फिर इस वजह से शेयर नहीं कर पाई थी। तो क्लिप्स थी मेरे पास कुछ सोमवार के दिन की, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करी आज क्योंकि थोड़ा सा ही क्लिप था, उसको अलग शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि एक दो मिनट की वीडियो थी मेरे पास सोमवार की। तो उसके साथ मैंने ऐड कर दिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और बस आगे से अब आपको कंटिन्यू व्लॉग मिलेंगे तो जैसे जैसे होगा वैसे मिलेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर, अब तो आप समझ ही गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं अब। हाँ जी हाँ, हम जा रहे हैं हरिद्वार। तो ये देखिए शिव जी भगवान जी की बहुत बड़ी मूर्ति और रात का टाइम ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इस टाइम पर इसमें कलर अलग अलग तरह के कलर आते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, पर्पल, इस टाइप के कलर आते हैं ना, तो बहुत अच्छा से एकदम से ग्लो, बहुत सुंदर लगती है मूर्ति रात के टाइम पर तो खासकर। और वैसे बहुत बड़ी मूर्ति है तो बस ये यहाँ की बहुत अच्छी पहचान भी है, फेमस भी है शिव जी भगवान जी की बड़ी मूर्ति। और देखिए सामने वो जहाँ पर लाइट चल रही है ऊपर वहाँ पर है
माता का मंदिर। और इधर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सब लाइटें वगैरह देखिए, काफ़ी सारा विकास हुआ है यहाँ पर कुंभ के टाइम पे, और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख कर। तो इस टाइम पे रात के टाइम पे थोड़ा सा हम कमी मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, शाम का या दिन का सुबह का तो मैंने रिकॉर्ड किया, रात का मैंने कम ही बार शेयर किया आपके साथ। तो चलो मैं आज शेयर करती हूँ रात का व्यू। और कल रात में पहुंच गए थे हम यहाँ घर हरिद्वार, और सुबह देखिए मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। तो जब हम गए थे ना तो बहुत छोटा सा था यहाँ पर, एक बस सिर्फ दो तीन मक्खी ने बनाया था, और इतना ज़्यादा बड़ा हो गया ना इसको देख कर डर लग रहा था, क्योंकि मधुमक्खियों से मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काट लेती है मक्खियाँ। तो कई बार तो ऐसा होता था ना कि दो दो तीन तीन जगह एक साथ काट लेती थी, इसलिए मुझे इनसे बहुत डर लगता है। तो यहीं पर मैं देख रही थी इसको, और मैं इनके पीछे पड़ी, मैंने इसे हटाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। क्यों निकालो उसमें से, कुछ लगाने काम आ जाएगा। तो आ गए थे हम कल रात में, और आज के व्लॉग का स्टार्टिंग वाला व्यू भी देख के मैं ना, जब मैं यहाँ से गई थी ना बहुत छोटा सा था, और कितना बड़ा हो गया है छत्ता, उसे देख के बड़ा डर लग रहा है। मैं उनसे पापा को बोल रही हूँ उसको हटाओ यहाँ से, और यहाँ पर हो रही इन्हें हटाने की तैयारी। तो यहाँ पर एक कपड़े में इस तरह से हमने तेल लगा के थोड़ा सा पेट्रोल लगा, उससे उसको धुआं करना है हमने, ताकि धुएं से ये उड़ जाएगी आराम से, और इनको मारेंगे नहीं हम, इस तरह से धुआं करेंगे ताकि ये उड़ जाए, और डर भी रहे और कर भी रहे, क्योंकि इनका एकदम से कोई भरोसा नहीं होता ना मक्खी कब एकदम से ऊपर आ जाती है और कब एकदम से काट ले, और बस मधुमक्खी काट लेना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और कई बार तो बुखार भी आ जाता है और एकदम स्वेलिंग आ जाती है। बस ये भगा रहे हैं यहाँ पर से इस तरह धुआं करके, और मैं तो इस टाइम पे अंदर चली गई, क्योंकि कई क्योंकि सब उड़ रही थी इधर उधर, तो ऐसा लग रहा था बस अब ये मेरे ऊपर आएगी, अब काट लेंगी। और बच्चों को कर रखा है इस टाइम पर बंद, और पापा मम्मी भी जा चुके हैं सुबह, जल्दी चले गए थे, बस सब सुबह का हमारा काम भी हो गया है। और कर दो धुआं है भी उसमें, और शायद होगा इसमें है। तो ये क्या है? ओ रे मक्खी देखो नीचे पड़ी, एक पाइप के पास मरी नहीं अभी। तो आप सबको एक बार फिर से सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, आप सब पर कृपा बनाए रखें।